गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एम्बिशंस वैदिक इंस्टीट्यूट। टुडे हम 10th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। लास्ट पीरियड में हमने ब्लड मींस पंपिंग ऑर्गन हार्ट के बारे में पढ़े थे। अभी हम इस टॉपिक में हम ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे हेडलाइन लिखेंगे हम ब्लड वेसल्स, ये हमारी हेडलाइन रहेंगी ब्लड वेसल के बारे में। तो ब्लड वेसल में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने के पहले यहां से बोलेंगे कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दिस ब्लड वेसल्स देयर आर द 3 टाइप्स। यहां पे मेंशन करूंगा मैं ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स। नंबर 1 होती है आर्टरीज, सेकंड होती है कैपिलरीज एंड थर्ड होती है वेंस। बट हमारे जो सिलेबस है 10 सीबीएसई का, उसमें से आपको दोनों ही वेंस ब्लड वेसल के बारे में बोले, आर्टरी एंड वेंस के बारे में, कैपिलरी के बारे में इतना मेंशन नहीं किया। फिर भी मैं आपको इस कैपिलरी के बारे में एक्सप्लेनेशन करवा के दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम आर्टरीज। अगर हम आर्टरीज एंड वेंस का अगर दोनों का एक साथ में हम कंपैरिजन देखेंगे, हम दैट मींस आर्टरी एंड वेंस, तो आर्टरी का फर्स्ट पॉइंट अगर हम मेंशन करना है, तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते समय वहां पे आर्टरी का नाम भी आया था, वेंस का भी नाम आया था। इसमें आया था पल्मोनरी आर्टरी का नाम आया था, यहाँ पे हार्ट में पल्मोनरी वेंस का नाम आया था। तो हम आर्टरी के बारे में देखेंगे। तो आर्टरी का जो काम होता है, ये क्या करता है, हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में लेके आती है आर्टरी। अगर हम उसका एक्सेप्शनल केस अगर देखेंगे, तो एग्जाम्पल लेंगे हम पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, इस पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के एक्सेप्शनल केस, दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरी ओनली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सेप्शनल केस में लिखा कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सभी ऑल आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। देन इधर हम वेंस के तरफ अगर हम देखेंगे, तो वेंस का अगर हम डिस्टिंग्विश करना है आर्टरी आर्टरी के साथ में, तो वेंस बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ये ब्लड लेके आता है हार्ट में। उसका अपोजिट रहेगा हार्ट, दैट इज आर्टरी और वेंस। तो इधर हम बोलेंगे कि जो ऑल वेंस कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, पर एक्सेप्शनल केस इसमें भी है, इसमें लिखेंगे हम पल्मोनरी वेंस सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी के जितने भी वेंस होते हैं सभी वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में लेके जाते हैं। तो दोनों का एक्सेप्शनल केस, पल्मोनरी आर्टरी ये करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेंस कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों के लिए एक्सेप्शनल केस है। अगर हम सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे आर्टरी का, तो आर्टरी की जो वॉल रहेंगी, ये वॉल जनरली थिक होती है। इसलिए थिक होती है क्योंकि उसको जो हार्ट का जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में सप्लाई करना होता है, इसके वजह से उसकी वॉल थिक होती है। अगर हम इधर मेंशन करेंगे, जो वेंस की जो वॉल होती है ये थिन होती है, देन अगर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे थिन वॉल। तीसरा पॉइंट अगर हम मेंशन करेंगे आर्टरी का, तो आर्टरी जो होती है
ये बॉडी में एकदम डीपली सिचुएटेड होती है, डीपली सिचुएटेड। अगर हम बॉडी का पार्ट देखेंगे तो आर्टरी का जो सिचुएशन प्रेजेंटेशन लोकेशंस है वो जनरली डीपली होता है। अगर हम वेंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो वेंस होती है वो सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सिचुएटेड होती है, सुपरफिशियल। जैसे हमारे बॉडी में आपको जो स्किन के ऊपर में जो ग्रीन कलर के दिखती है आपको, ये जनरली वेंस होती है, इसका लोकेशन सुपरफिशियली वो दिखती है। लेकिन आर्टरी जो होती है ये आर्टरी एकदम डीपली सिचुएटेड होती है। देन अगर हम फोर्थ पॉइंट अगर देखेंगे हम आर्टरी का, तो आर्टरी में बारे में देखेंगे तो आर्टरी में देर इज अ नो वॉल। हमने हार्ट में वॉल का स्ट्रक्चर देखे, मतलब वॉल में, वॉल के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। जैसे वॉल में हमने देखा बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, सेमी लूनार वॉल, ऐसे कोई भी प्रकार की वॉल वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि अगर हम वेंस में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वेंस में वॉल्व इज प्रेजेंट होती है, और वॉल्व का फंक्शंस होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो होता है, तो वो रिटर्न जो ब्लड फ्लो होने के बाद उसको फिर से रिटर्न आने नहीं देता है। देन यहां से अगर फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जब आर्टरी का डिवाइड होता है एंड रीडिवाइड होती है, डिवाइड एंड रीडिवाइड से बनती है उसमें कैपिलरीज, इससे बनती है कैपिलरीज। और यहां से पॉइंट बोलेंगे हम कि वेंस कैसे फॉर्म हुई, जब कैपिलरीज का जब यूनाइटेड होता है तब बनती है वेंस। तो कैपिलरी का काम यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया कैपिलरी के बारे में, क्योंकि कैपिलरी है सिर्फ ये फूड मटेरियल का एक्सचेंज करती है कैपिलरी। जो कैपिलरी कैसे बनती है, आर्टरी का डिवाइड एंड रीडिवाइड से, जबकि कैपिलरी जब यूनाइटेड होती है, ज्वाइन होती है, तो उससे बनती है वेंस। तो ये है हमारे आर्टरी और वेंस के बारे में। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में कैपिलरी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, फिर भी हमने यहाँ पे कैपिलरी मेंशन किया। अगर पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरी, द फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज इज टू एक्सचेंज द फूड मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, टिश्यू और ब्लड के बीच में ये फूड मटेरियल का एक्सचेंज करता है। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स। अभी हमको तुम्हारे इसमें से और एक दिया है ब्लड प्लेटलेट्स। अगर हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अगर देखें, ब्लड प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अगर देखना है, जब भी हमारे कोई अगर टिश्यू है, ये बॉडी का अगर टिश्यू अगर इंज्योर्ड होता है यहाँ से, तो जब टिश्यू जब इंज्योर्ड होता है तो यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। जब वो ब्लड फ्लो होता है बाद में उस वहां पे लीकेज तैयार होती है, उस टाइम में उस लीकेज में ये ब्लड प्लेटलेट वहां पे जाते, जहां पे इंजर्ड होती है उस इंजरी के जगह पर सम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करती है। स्टार्ट करने के बाद जो लीकेज जो होता है उस लीकेज को एकदम ब्लॉक करता है और ब्लड वापस स्टॉप होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग। मीन्स प्लेटलेट्स अगर कहाँ पे हेल्प करते हैं, अगर कोई टिश्यू इंजर्ड होती है, अगर वहां से कोई ब्लड निकलता है, लीकेज होती है, तो उसको रिपेयर करने का काम ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट होते हैं। ये हुआ हमारे एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन। हम इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे।